नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा Oppo F3 में Nougat का वर्जन और ColorOS 3.1 का। तो पिछली वीडियो में मैं डालने वाला था, पर वो क्या कहते हैं फ़ाइल में से दूसरी डाउनलोड हो गई थी, तो ये वाली फ़ाइल मुश्किल से मिल गई। ये मैं अपलोड भी कर दूंगा और आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट मतलब इंस्टॉल का प्रोसीजर तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, और ये भी बता दिया कि आप Oppo की वेबसाइट से अगर आपके नॉर्मल अपडेट्स नहीं आ रहे तो आप कैसे देख सकते हैं। तो ये Oppo F3 है, मैंने रोम डाल दी, देख लिया आप, पूरा इंटरफेस वगैरह सब चेंज हो चुका है। मेन में सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ, मैंने भी अभी जस्ट डाली है। तो हाँ, ये सेटिंग्स आ गई। सेटिंग्स में जाएंगे हम अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में आप ये देख सकते हैं कि एंड्रॉयड वर्जन हो गया 7.1 Nougat और ColorOS वर्जन हो गया 3.1, ठीक है। पर यहाँ पे दिक्कत ये है, पहले उसमें थी 2018 की सिक्योरिटी पैच है, यहाँ पे एंड्रॉयड में 2017 की है, ठीक है। और ये एक तरीके से ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे इंडिया के उसमें दिखी नहीं। और इसमें देखो बग्स भी है, मैं तुम्हें बताऊँ, मतलब ये देखो फ़ोन तो फास्ट हुआ है मेरा, नो डाउट, एकदम क्या कहते हैं जो पुराने वाला था उससे काफ़ी मतलब डिफरेंस चलाने में पता लगा है। पर मेरे को बग्स आ रहे, जैसे वूट में मैं लाइव चैनल देखता था, पहले देखता था, तो उसमें हाँ वीडियो का ऑप्शन सिर्फ ऑटो पे ही आ रहा है। अब ये मुझे नहीं पता वूट की दिक्कत है या उसकी दिक्कत है, बट नॉर्मल पहले चलाता था तो सही आता था। बाकी दूसरी ये कि वूट बीच बीच में क्रैश भी हो रहा है, मतलब ये एक्चुअली दादी देखती है इस फ़ोन में ना, तो कलर्स देखना होता है अपना, तो इस चक्कर में वूट का है। बाकी इसलिए कुछ डाउनलोड भी नहीं कर रखा, तो मेन चीज़ तो मैं ही चलनी थी। पर इसके अलावा बताऊँ तो फ़ोन काफ़ी फास्ट हुआ है। अगर आपका देखो ये है कि एक बार रोम इंस्टॉल करके देख लेना, अगर देखो आपके काम चल रहे हैं, अगर आपके जो ऐप यूज़ करते हो वो सब क्रैश नहीं होते तब तो बहुत सही है, क्योंकि फ़ोन काफ़ी मक्खन सा हो गया ऐसे यूज़ करने के बाद, मतलब डालने के बाद। बट हाँ, अगर आपकी ऐप में क्रैशेज आ रहे हैं तो आप जो पहले वाला वर्जन है इनकी साइट से डाउनलोड करके, या मैं पुराने वाला वर्जन उसकी भी लिंक डाल लूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके फिर से बैक टू बेसिक आ सकते हैं जो आपका पहले था, ठीक है। तो यही बताना था मुझे इस वीडियो में, और आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ इसमें चेंज हो चुका है, और हाँ बहुत सारी चीज़ें आ गई है, एंड नया सा भी हो गया, चलाने में बहुत स्मूथ हो गया, हैंग वैंग नहीं हो रहा एकदम से, क्योंकि सब कुछ अपडेट हुआ है। तो ये था, बाकी रिव्यू ये है, मैंने आपको बता ही दिया, और मैं थ्रेड के लिंक भी आपको दे दूँगा, उसमें सारे प्रोज एंड कॉन्स इसके लिखे हुए हैं और क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई है, तो वो सारा आपको वहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।